Jai Hind, all of you, 12th class students. As you know, today we start our new chapter, chapter number 13. Chapter number 13 is organism and population. Chapter number 13 के according हम organism and population के बारे में study करेंगे. तो first of all we start the introduction of this chapter. इस chapter का हम introduction कर रहे हैं. तो generally क्या होता है, no organism can live alone. कोई भी organism alone अकेला जो है जीवित नहीं रह सकता है. ठीक है, organism depend on their habit, their habitat and their environment. जो organism होते हैं वो उनके environment पर depend करते हैं. ठीक है, environment पर depend होता है उनका जो life होते हैं. ठीक है, जनरली एनवायरनमेंट में टू टाइप के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर. तो एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से क्या होता है, मिलकर बना हुआ पाया जाता है एनवायरनमेंट. ठीक है, उस एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो लाइफ होती है ऑर्गेनिज्म की वो डिपेंड करती है. हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है फूड मटेरियल का यूज करते हैं, फूड मटेरियल एनवायरनमेंट से लेते हैं. ठीक है, इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग, एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं जैसे ऑक्सीजनेशन, लाइट है, सॉइल है, वाटर है, ये सभी हम क्या करते हैं, एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बिना लाइफ जो है जीवित नहीं रह सकते. ठीक है, या एनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी लिव विदाउट एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के बिना वो जीवित नहीं रह सकता. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है ये कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर देयर एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज अ स्टडी, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इकोसिस्टम स्टडी करना है. इको सिस्टम या इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, देयर एनवायरमेंट. द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट. ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट का आपसी इंटर जो है सह संबंध या इंटर रिलेशनशिप का जो स्टडी किया जाता है उस स्टडी को हम कहेंगे इकोलॉजी. ठीक है, एंड इकोलॉजी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी कंपोनेंट्स को हम एक साथ कहेंगे इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आते हैं. ठीक है, और इस जो है इनका पूरा स्टडी करना हम इकोसिस्टम कहलाता है. ठीक है, तो अलग अलग जो है डिफरेंट साइंस साइंटिस्ट गिवन द डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम एट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है ऑडम. ऑडम के अकॉर्डिंग इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर. तो ऑडम के अनुसार क्या होता है, जो इकोसिस्टम का जो है स्ट्रक्चर जो है पढ़ना, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है इकोसिस्टम में. ठीक है, ये हमारा इकोसिस्टम हो गया. ठीक है, इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज, तो कुछ समय कुछ डेफिनेशन है इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग. कुछ डेफिनेशन है, फर्स्ट है ऑटेकोलॉजी. ऑटेकोलॉजी जो है यूनिक ओनली वन ऑर्गेनिज्म, केवल एक ऑर्गेनिज्म के बारे में ही स्टडी करना. ब्रांच इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वन स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज के अबाउट स्टडी करना उसे कहेंगे हम ऑटेकोलॉजी. नेक्स्ट है सिनेकोलॉजी. सिनेकोलॉजी द
कम्युनिटी, कम्युनिटी में जितनी स्पीशीज होती है उन सारी स्पीशीज का क्या है स्टडी करना, कम्युनिटी में संगठन, कम्युनिटी में जितनी स्पीशीज होती है उन सभी का स्टडी किया जाता है तो उस स्टडी को कहेंगे हम सिनेकोलॉजी। नेक्स्ट होता है इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी डील विद एनालिसिस इकोसिस्टम फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करना, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना और फंक्शन के बारे में स्टडी करना उसे कहेंगे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी। नेक्स्ट जीन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑन द जीन, एनवायरनमेंट का जीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑन द फिनोटाइप ऑफ द एनवायरनमेंट, अलग अलग प्रकार का एनवायरनमेंट जो होता है जीन के ऑर्गेनिज्म के जीन पर प्रभाव डालता है जिससे कि अलग अलग तरह का जेनेटिक मेकअप प्रोड्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो है हम कहेंगे इंटररिलेशनशिप ऑफ डिफरेंस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का आपस में जो इंटररिलेशनशिप होता है, ठीक है, या जो सह संबंध है एक दूसरे से वो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे तो स्टूडेंट्स हमने आज जो है इस वीडियो में देखा कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमको क्या स्टडी करना है उसके बारे में आपको एक प्री जो है नॉलेज या जानकारी हम जो है दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे से जो है इसकी पूरा जो डिटेल स्टडी करेंगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, तो यू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, जय हिंद।